हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक F-35C एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश कर गया था। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि F-35 को फेलियर बताना एक गलती होगी। ये बात सच है कि जब ये एयरक्राफ्ट बनाया गया था तो प्लान ये था कि ये फोर्थ जनरेशन फाइटर्स को रिप्लेस करेगा। इस रोल को सक्सेसफुली ये एयरक्राफ्ट डेफिनेटली फिल नहीं कर पाया, पर स्पेशलाइज्ड रोल में ये जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। और F-35 के ज़रिए ये चीज़ हमें समझ में आई कि ये जो कैपेबिलिटी है ये एक्चुअली कहाँ पर यूटिलाइज करी जा सकती है। तो इसी एयरक्राफ्ट से जुड़ी कुछ और तस्वीरें निकल कर बाहर आई हैं, जो कि इस फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के एक और पहलू को हमारे सामने रखती हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये एक्चुअली F-35C एयरक्राफ्ट की हैं और US नेवी के कैरियर से निकल कर सामने आई है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट को अगर आप देखें तो उनमें रस्टिंग हो रखी है, यानी कि जंक लग रहे हैं। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेवल एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें काफ़ी रगेड होना पड़ता है, क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट करते हैं। जैसे कि जो हवा होती है वो थोड़ी सॉल्टी होती है, कहीं कहीं पर ह्यूमिडिटी एक फैक्टर होता है, तो इंजन के ब्लेड्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को यूज़ करना है तो वो काफ़ी डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन कम रहे, जिसके लिए रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग लगाई जाती है, और ये जो मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा रगेड नहीं होता है, तो ये हाई मेंटेनेंस डिमांड करता है। और अगर प्रॉपर केयर ना मिले तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं ऐसी हालत हो जाती है। तो इसको लेकर सवाल पूछे गए पेंटागन के स्पोक्स पर्सन से, तो उन्होंने ये कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग एरर है लॉकहीड मार्टिन की साइट से, और जो अगले बैच आएंगे F-35 के उनमें यहाँ पर सुधार कर लिया जाएगा। बाकी ये जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ये खाली रैम कोटिंग के साथ नहीं होती है, जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं इन फिफ्थ जनरेशन फाइटर में, जो एलॉय यूज़ किए जाते हैं उनमें भी ये इश्यूज जो है वो सामने निकल कर आते हैं। और खाली नेवल एयरक्राफ्ट के साथ ऐसे इशू नहीं देखे गए हैं, जो एयरक्राफ्ट आपके एयरफोर्स द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर भी ऐसे इशू नोट किए गए हैं। तो इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने इंटरग्रैनुलर कोरोजन को लेकर जो इशू है उसको रेस किया लॉकहीड मार्टिन से, और स्पेशली लो ह्यूमिडिटी एरियाज में ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा निकलकर सामने आई। साथ ही ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस एयरक्राफ्ट की बॉडी पे क्रैक्स भी रिपोर्ट किए गए थे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर को लेकर भी जो इश्यूज हैं उनको रेस किया गया, पर ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको सॉफ्टवेयर अपग्रेड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर के साथ हो रहा है ये मेजर इशू है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो रस्टिंग इशू निकल कर सामने आ रहा है ये खाली F-35 के साथ है, ये F-18 सुपर हॉर्नेट्स के साथ भी देखा गया है, और जो एयरक्राफ्ट डेक पर रखे जाते हैं लंबे समय के लिए उनके साथ ये कॉमन है, पर F-35 के साथ कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जब हम बात करते हैं किसी फिफ्थ जनरेशन फाइटर को डेक ऑपरेशन कराने की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने चाहिए जो कि अभी के लिए ट्रू है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि ये सब चीज़ें चेंज हो जाएं। तो पहली चीज़ इसमें ये है कि स्टेल्थ कोटिंग और स्पेशल अलॉयज को यूज़ करने की वजह से यहाँ पर आपको मेंटेनेंस जो है वो 4 और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपकी ऑपरेटिंग रेंज भी यहाँ पर अफेक्ट होने वाली है। इसके पीछे रीज़न की है कि अगर आपको स्टेल्थ ऑपरेशंस चलाने हैं तो आप ड्रॉप टैंक को यूज़ नहीं कर सकते, साथ ही साथ इंटरनल वेपन बे में आप वेपन्स को कैरी करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी सी लिमिटेशन लग जाती है, मेनली ये डिज़ाइन लिमिटेशंस होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो वो एक कंट्रोल्ड क्रैश की तरह होता है, तो लैंडिंग गियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से लैंडिंग गियर को ज़्यादा तगड़ा, मजबूत और रगड़ बनाया जाता है। साथ ही साथ आपको अंडर कैरिज को भी ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इशू ये आता है क्योंकि आपको इंटरनल वेपन बे लगाने हैं जो कि अंदर से हॉलो होते हैं, तो डिज़ाइन वाइज ये एक चैलेंज होता है कि लैंडिंग गियर को कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि इंटरनल वेपन के साथ भी लैंडिंग के टाइप पे इशू ना आए। तो ये जो चैलेंज है ये लीड करता है कॉम्प्रोमाइज़ पे, और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एयरक्राफ्ट की वेपन कैरिंग कैपेसिटी से। तो जब इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन कैरियर बॉर्न फाइटर की बात आई तो काफ़ी लोगों का ये कहना था कि ये एक आमका का ही नेवलाइज्ड वर्जन होना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि इन रियलिटी जो एयरक्राफ्ट चूज़ किया गया वो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट था, जिसमें डिज़ाइन वाइज उसका रडार क्रॉस सेक्शन तो कम रखने की कोशिश करी गई थी, पर उसको स्टेल्थ बनाने की कोशिश नहीं करी गई, क्योंकि उसकी वजह से ये जो चैलेंजेस हैं
ये हमको फेस करने पड़ते और लॉन्ग टर्म हमें इसका नुकसान जो है वो फेस करना पड़ता। एक चीज़ यहाँ पर हम समझ लें कि ये जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है ये कैरियर ऑपरेशंस के लिए अभी तक मैच्योर नहीं हुई है और हमें इश्यूज जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, पर फिलहाल के लिए ये जो 4 और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं ये कैरियर ऑपरेशन से कहीं नहीं जा रहे। यही कारण है कि US नेवी ने जो सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है उस पर अपना भरोसा दिखाया है और इनके और ज़्यादा ऑर्डर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो चाइनीज नेवी है वो डेफिनेटली फिफ्थ जनरेशन फाइटर पर काम कर रही है, पर J-15 के भी एडवांस वेरिएंट्स लेकर आ रही है। रशिया की बात करें तो रशिया के पास SU-57 जैसा फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, लेकिन अभी तक उसके नेवल वर्जन पर काम नहीं किया जा रहा है। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी एक मैसेज पर्सनली हमारी तरफ से है, तो कल काफ़ी लोगों ने प्रमोशनल वीडियो को लेकर कंप्लेन करी थी। ये बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ऐसे कई लोग हैं जो डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं और वो जो प्रोमो है वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए नहीं है तो टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप डायरेक्टली स्किप करके वीडियो पर आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। साथ में ये भी हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये जो प्रोमो है ये सब वीडियोस में नहीं है, कुछ ही वीडियोस में है। दूसरी चीज़, अगर आप एक्चुअली किसी चीज़ को लेकर तैयारी करना चाहते हैं और अनअकैडमी के थ्रू करना चाहते हैं तो 30 और 31 यानी कि आज और कल हमारा रेफरल कोड MATRIX10 यूज़ करने की वजह से आपको उनके प्लान्स में 20% ऑफ मिल जाएगा। बाकी इस पर डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।